मुझे छोटे काम के लिए लेते हैं, एक दिन मैं भी बड़ा काम करके दिखाऊंगा, तब इन सबको पता चलेगा कि मैं भी क्या हूँ। ये गुना भाई की गाड़ी, अगर ये सुन लेता तो मेरा गला काट के फेंक देता। उन लोगों के साथ रहता है और कुछ नहीं पता है तुझे। अब पता चलेगा तुझे, सब बताएगा तू। सर मुझे यही पता है कि वो दुकान खाली करवाते हैं और ये सब करते हैं। मुझे मर्डर वर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए सर, बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है ठीक है, तू जा। यस मैम। बोल रहे, पहुंच गया क्या? पहुंच गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 5 बजे वैन आएगी, उस लड़की को गाड़ी में डाल देना और सुबह रात के बाद निकालना, चेकिंग नहीं रहेगी। कहाँ आना है? वो गाड़ी वाला तुझे बता देगा। अरे ये आवाज कैसी है रे? रुक देखता हूँ। पुलिस, कुछ नहीं रे, बगल वाला कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते की नजर में मत आना। अरे कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। केयरफुल रहना, तू फिकर मत कर। और क्या है वो बता, बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करता है मुझे? ए, क्या हुआ, वो लड़की की आवाज क्यों आ रही है? सुबह तक चुपचाप थोड़ी बैठ सकता हूँ, टाइम पास नहीं करूँ क्या? तू ऐसा कुछ मत करना, अपन को जो बोला जाता है वही हमें करना है, समझा ना? बकवास मत करो, तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अरे जो बोला जाएगा वही सुनेगा ना, ठीक है? उस लड़की के हाथ की रस्सी मत खोलना और फोन कटते ही सिम को डिस्पोज कर देना। ठीक है, फोन रख। तू गन फेंको अपनी, पुलिस वाली है तू, टपका डालूंगा इसे, गन नीचे फेंको, फेंको जल्दी फेंको, आवाज मत करना। यहां किसका हो? गन को यहां किसका हो? ए, किसका हो? जल्दी करो, यहां तक कैसे पहुंची तू? क्या सोचा था मुझे गन से मार डालेगी? आज तो तू फंस गई, तेरा गेम खत्म। अंदर आओ क्या मैडम? वेट वेट। क्या वेट वेट? हाँ? तुझे क्या चाहिए बोल, मैं करती हूँ। कम ऑन, पॉइंट की बात कर।
कौन किसको पॉइंट पर लेकर आएगा? तुम मेरे पॉइंट पर हो, अब मैं भी देखता हूँ पुलिस रहेगी या हम। तुझे अपनी जान बचानी है कि नहीं? जा बचा ले अपनी जान। ए, मेरी जान की क्या बात कर रही है? पहले तू अपनी जान बचा। सेव। ए, पागल हो गई है क्या? सेव योरसेल्फ। ए, ए, मार डालूंगा तुझे। हर बार वही बात बोले जा रही है। तेरी तरह सुंदरी भी उड़ रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। तेरा डिपार्टमेंट बोरी में भरकर ले गया था। ए, कहाँ है वो? ए, जाके दरवाजा बंद करो। जाओ जाओ जाओ। आज तो तू गई। लॉक करो लॉक करो। मैं बच जाऊंगा लेकिन तू नहीं बचेगी। सियान पट्टी की तो यहीं पर टपका दूंगा। मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए और कंपनी तक तुम मेरे साथ चलोगी। एक एम्बुलेंस अरेंज करना। अगले 10 मिनट में वो जहां पहुंचानी चाहिए। मेक इट फास्ट। मैडम एक फीट आगे लेकर आओ उसे। ए, ए, कान पर से हाथ हटा हाथ हटा। ए, शर्ट में क्या है तुम्हारी? जल्दी दिखाओ, हाथ ऊपर करो। क्या छुपा कर रखा है इसमें? चाकू रखती है। शर्ट उतारो अपनी, शर्ट उतारो, देखूं और क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने। उतारो जल्दी जल्दी उतार। वहां पर रखो। बनियान भी उतारो। कितने आदमियों के कपड़े उतरवाकर रास्ते में भगाया, आज अपने उतार। पैंट भी उतार। तेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए, सब निकाल। पैंट उतार। वन सेकेंड मैडम। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, अब वो नॉर्मल नहीं है। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। प्लीज मैडम, हम लोगों के ऑपरेशन से आपकी लड़की बची है। आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है मैडम। क्रिमिनल में से एक मारा गया, बाकी 3 कहाँ हैं? सर, वो बहुत ही चालाक था, कोई एविडेंस नहीं रखता था। सो वी डोंट हैव एनी लीड टू मूव फर्दर इन दिस केस। छोटे मोटे क्राइम में ये लोग साथ नहीं रहते हैं। किसी भी लोकल स्टेशन में इनके नाम का केस नहीं है। मास्टर क्राइम में ही ये सब के सब साथ में होते हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो हमारा केस आसानी से निपट जाता। सर, सिचुएशन ऐसी थी। सिचुएशन को चालाकी से हैंडल करने के लिए ही आपको ट्रेन किया गया है। इस ओके वीर मांडी, व्हाट्स नेक्स्ट? जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस और सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोगों को इन्होंने खत्म किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के एसपी को भी मारा है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स मरे हैं, उनके बारे में नो आर्गुमेंट। श्योर सर। संगीता, वी वांट एलिमिनेट देम एज पॉसिबल अर्ली। आप लोग चालाकी से ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। उनका सफाया करना ही हमारा सीक्रेट ऑपरेशन है।
रिवाइंड करो। मैडम आपको कोई फॉलो कर रहा है। व्हाइट शर्ट में है ना, डिसेंट दिख रहा है ना, संभल के। ओके मैडम। चलो। ए कौन है तुम लोग, कहां ले जा रहे हो मुझे? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अरे भाई क्यों ना बोलूं, मैं एक इंजीनियर हूं। चुपचाप रहो। चलो। क्या चल रहा है ये सब, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? मैंने बोला ना चुप रहो। चलो देखो चल। मेरा पर्सनल काम था। चलो बैठो। ए भाई ये तो पब्लिक प्लेस है यार, और तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो मैडम को फॉलो क्यों कर रहे थे? कौन सी मैडम? अच्छा वो वाली, आप सब लोग साथ में हो गया, मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? हाँ हम सब बच्चे हैं ना, मजाक करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे। ए भाई मेरे साथ जरा इज्जत से पेश आना, मैं यहाँ एक लड़की को देखने आया था, समझ गए ना? तुम्हें देखने के लिए मैडम ही मिली क्या? अरे बापरे वो लड़की नहीं है, सॉरी यार मुझे माफ करना। क्या रे क्या मजाक कर रहा है, पुलिस से कभी मार नहीं खाया क्या? सच सच बता किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? मिस्त्री ने भेजा है मुझे। किस गांव में मिस्त्री की बात इंजीनियर सुनता रहे? फॉल्स इंफॉर्मेशन मैडम, नथिंग सस्पिशियस, जिस पर शक किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? सारे लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे माथे पे लिखा है क्या कि मैं पुलिस वाला हूँ, या मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा बताइए मैं बोलूं या नहीं? ठीक है बोलता हूँ। आप जैसी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, और मैं जो आपको फॉलो कर रहा था उसकी वजह मैं नहीं हूँ बल्कि आप हैं। आपकी सुंदरता मुझे भा गई। और एक सच बात बताऊँ, मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो आप नहीं है। पुलिस वाली हो पर आप भी एक लड़की ही हो। उस दिन जब लड़की को किडनैप किया था, उस दिन अपना भास्कर उसने पुलिस वाले को नहीं मारा होता तो हम सब के सब मारे जाते। छे, हम वहां थे फिर भी उसे नहीं बचा पाए। बाहर नहीं घूम सकते, ऐसा कर दिया इन सबों ने। अगर उन लोगों को टपकाया तो पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा एनकाउंटर किसने किया है हम उसे अपना निशाना बना। मुझे तो लगता है वो मुथू कुमार या कुमार गुरु ही होगा। सही है भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, नहीं तो वो संगीता होगी। लेकिन राघव भी तो हो सकता है ना? कोई भी रहे पहले शुरुआत अपन करेंगे। कोई भी हो मार देंगे उसे। ए, कौन सी दुकान से लिया? अरे भाई पुरानी अपनी इंद्राणी ताई की दुकान। ए, एक ही दुकान से मत लिया कर, तुझे कितनी बार बोला? अरे इंद्राणी की दुकान में पीस बड़ी बड़ी मिलती है ना। ए, भाई लेग पीस को बोला है, जो बोला है वो करना। ठीक है भाई। तुम लोगों की बातें सुनकर एक दिन तुम लोगों से बड़ा राउडी बनकर दिखाऊंगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। ये बूढ़ा एक फ्रॉड है, अपना फोटो लेके एक लड़की को दिया, लेकिन लड़की का फोटो हम लोगों को देता तो इतना सब कुछ नहीं होता ना। ये सब हुआ तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे बापरे, लड़की का ही तो फोटो था क्या? कार्तिक सर वो लड़की बोली थी कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई है, इसलिए वो लड़की फोन कट रही है। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आपको पुलिस पकड़ ले गई? ज्यादा बात मत कर, लड़की को देखते ही उसके ऊपर कूद गया था। ए चुप कर यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मिस्त्री जी। आपके बारे में सब कुछ पता है सर, ये कलयुग है, ये अपने सर को ही ले लो, क्या नहीं है इनके पास? दम, बियर, आइटम और सबसे बड़े खिलाड़ी, अभी तक ये कहीं फंसे नहीं है, ऐसा है ये राधे? ये सब बोलने से अच्छा तो मुझे गाली दे देते। अब मैं क्या करूँ सर, आप हमारे सुपरवाइजर हैं, अब गाली तो नहीं दे सकता ना, और आप हम जैसे गरीबों की मदद भी करते हैं, कितने महान हैं आप। आया बड़ा बड़ी बड़ी बातें करने वाला। ए छोकरे सारे तेल की वाट लगा दी तुमने, तेरी तो तेरे को तो काट डालना चाहिए।
माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। ये ले। भैया मत मारो। भैया नहीं। ऐसा करता है काम? है? ये करता है। आ गया से। बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? मारू नहीं। तो क्या गोद में बिठा के दूध पिलाऊं? तू कौन है बीच में बोलने वाला? आ गया से। क्या यार? WhatsApp पे कोई लड़की वड़की पटी क्या? अबे अकल के दुश्मन। हेलो, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है मैं अभी आता हूँ। देख रहे हो ये सब? अरे सुनो बच्चों। हाँ। यहाँ पर आओ बेटा। आओ ना, डरो मत, आओ। इधर भी आ गया, मेरे धंधे की वाट लगाने, निकल बाहर। ए सुन, आज से यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेंगे तो क्या बैठकर खाएंगे ये सब? ए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से काम करवाते हो, अकल है कि नहीं? ए बुड्ढे, नेतागिरी कर रहे हे कार्तिक, क्यों मार रहे हो उसे? तुम में और इसमें क्या फर्क रहेगा? सर ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। मुझसे बदतमीजी की? तुमसे तो नहीं ना। चलो माफी मांगो, मांगो। माफ कीजिए सर। मुझसे नहीं, उससे। सॉरी। हे, तुम सब क्या देख रहे हो बेटा? आओ। देख रहे हो कितना मारा है? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रमेश। कितनी पढ़ाई किए हो तुम? 8वीं तक। तुम सब एक ही गांव के रहने वाले हो या अलग अलग? हम सब एक ही गांव के। अच्छा ऐसा है। किस गांव से हो? पिचूर। कार्तिक। हाँ सर। इन सबको ले चलने के लिए ऑटो बुलाओ। ठीक है सर। जाओ। तुम लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 2 साल से। क्या बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर हमको पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन घर की हालात ऐसी है कि। सर आप यहाँ पर? मैं इन सब बच्चों को ले जाकर पढ़ाऊंगा। साहब एक एक को 15,000 रुपए की हेल्प की है, काम सीख जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी इनकी। मैं तो इनका भला चाहता हूँ, वैसे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। हाँ जोड़ के बोलता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों से काम मत कराओ, हेल्प के बहाने इनसे काम मत करवाओ तुम, इससे इनकी लाइफ खराब हो रही है। आप तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, उनसे क्यों नहीं काम करवाते? अपने बच्चों के साथ साथ इन गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट में पढ़वाओ, जिंदगी भर ये आप लोगों का उपकार नहीं भूलेंगे। ये पुण्य का काम है, इससे आपकी जिंदगी 10 साल और बढ़ जाएगी। माफ कर दीजिए साहब, बच्चों को आप ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, चलो। आप हमें घर लेकर चल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा। सच में? सच में तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहाँ पर अच्छा भोजन भी करने को मिलेगा। चलो। ऑटो वाले को पैसा दे दो। जी सर। आओ आओ बच्चों, सब लोग आ जाओ, ये तुम्हारे अपने घर जैसा है बिल्कुल। ये लो। अरे रे 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 सुभाष, आज तुम बिना रोए हुए नहाए हो ना। ये लो। चलो बच्चों चलो। सुनो बच्चों, जब तक तुम अपने गांव नहीं जाओगे यहीं रहोगे, आज के बाद तुम लोग काम पे नहीं जाओगे। तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मुझसे जितना होगा मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है। चलो नहा धोकर कुछ खाना वाना खा लो। सर अब मैं जाऊं? ठीक है तुम जाओ। तुम मेरे साथ आए, तुम्हारे काम का कुछ हर्जाना तो नहीं हुआ? नहीं ना? सर ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ। ओके सर। ओके। सर ये ले लीजिए। अरे एमपी बन गए, पदवी मिल गई, जिम्मेदारी भी बढ़ गई, ये पैसा मेहनत का ही है ना? सर ये आपका पैसा है सर, आपकी मदद से ही पढ़कर आगे बढ़ा। आपको पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा मैं ट्रस्ट में देता हूँ, ये वही पैसा है। खुशी की बात है, मेरी मेहनत सफल हुई, उसका तुम एक उदाहरण हो। ठीक है, नमस्कार। ठीक है सर, अब चलता हूँ। नमस्ते। उसकी शक्ल बादल की तरह है। नहीं नहीं, बादल थोड़ी सुंदर होते हैं, उससे भी बढ़कर है। ये मच्छर परेशान कर दिए हैं, सोने भी नहीं देते। अगर वही लड़की मेरे सपनों की रानी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं है। तू जो बोल रहा है ना वो सही है यार, वो सब पिक्चरों में होता है, पर पिक्चर में जानता है ना एक क्लाइमेक्स नाम की चीज होती है। समझा कि नहीं समझा? सोने दे यार। ए, मैं यहाँ अपने प्यार के बारे में बोल रहा हूँ और तू आराम से सो रहा है। तो मैं क्या करूँ,
टाइम देख रहा है कितना हो रहा है। अरे मुझे टाइम से क्या लेना देना, ये अपने चक्कर में लोग सोने भी नहीं देते यार। पुलिस वाली से वो अच्छी दिखती होगी, इसकी आंखों से उसकी आंखें अच्छी होगी या कुछ अलग होगी। ए यार देख रहे मेरी आंख कैसी लालम लाल हो गई, सोने देना यार। अबे सुन ना, अबे चादर, अबे क्या करता है, बोलना इसका चेहरा उसके चेहरे से अच्छा होगा। ए शक्ल के बारे में मत पूछ, दूसरा पूछ, मैं बताता हूँ। शक्ल तो सभी की एक जैसी होती है, तू चादर देगा या मैं तकिया हटाऊं, इसके बाद उसकी शक्ल नहीं किसी और की शक्ल भी नहीं देख पाएगा, समझा? देना ये ले। हाँ इतना डर तो होना चाहिए। ठीक है एक आइडिया है, टॉयलेट में भी फोन नहीं उठाएगी और अभी रात है, मस्त मूड में होगी, अगर उसने फोन उठा लिया तो मामला सक्सेस। फोन कर रहे, पता नहीं किसका फोन है। ए फोन नहीं उठा रही है। अरे छोड़ रहे, जैसे कि तुझे दूसरी लड़की नहीं मिलेगी, तू कहाँ कांटा डाल रहा है, जाल बिछाना, अनीता विनीता कोई ना कोई पटी जाएगी। अबे झिंगुर मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ और तू मुझे क्या बता रहा है। ए उसी का फोन है। ए फोन उठा, स्पीकर पे डाल। ए मिस्टर फोन नहीं उठाया तो समझ में नहीं आता क्यों व्हाट्सएप मैसेज करके परेशान कर रहा है, यू आर ए चीप। पुलिस तुझे ले जाकर इंक्वायरी कर रही थी तभी मैं समझ गई थी। अच्छा ये बता तो अभी तक कितनी लड़कियों को फंसा चुका है? पेरेंट्स ने मना कर दिया वरना मैं अभी तक कंप्लेन कर चुकी होती। माइंड इट, गुड नाइट यार। अरे रुको रुको, ये बताओ लड़कियां अपने आपको क्या समझती हैं? ए क्या है, क्या लड़कियां? अरे तुम तो मुझे चेन स्नैचिंग अक्यूज्ड की तरह ट्रीट कर रही हो, और कल रात को फोन पर मुझे चिल्ला क्यों रही थी? ए तू किसी और के बारे में मुझसे बात कर रहा है। किसी और की तरह, ये तुम क्या कह रही हो? उस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसे देखने के लिए आया था, तभी आपने मेरी गाड़ी में इंक्वायरी की और उसने मुझे देखकर सीधे क्रिमिनल समझ लिया। पुलिस वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उन्हीं बर्बादों में से मैं एक बन गया हूँ और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है, तू पहले ऐसे बिहेव करना बंद कर, समझा? हेलो हेलो रुकिए, क्या मतलब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? पुलिस हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। बोल दिया ना, चल निकल, ज्यादा टेंशन मत दे अभी। अच्छा डरा रही हो, मैं डर जाऊंगा। अच्छा तो डरेगा नहीं, पुलिस के खिलाफ जाएगा, मार दूंगी तुझे। मैं ढील दे रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रही है, लिमिट में रहो, मुझे भी लॉ मालूम है, मुझे भी जो करना है मैं कर सकता हूँ, पुलिस है तो क्या। लड़की से छेड़खानी करता है, अभी देखता हूँ तेरे का। हे, हाँ रे पुलिस हो, पुलिस का एटीट्यूड दिखा रही हो, घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ। बैठ रहा हूँ मैडम। मैडम अब कहाँ से आया मैडम, पहले तो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा हो, एटीट्यूड दिखाएगा एक मिनट में तेरा भेजा उड़ा दूंगी। किसी और ने मना कर दिया तो यहाँ आके उछल कूद कर रहा है? उछल नहीं रहा था मैडम, गुस्से में दिल की बात निकल गई, उस दिन गाड़ी में बिठा कर इंक्वायरी की और आज पब्लिक प्लेस में मेरी इंक्वायरी कर रही हैं। अब तो आप खुश हो ना, मुझ जैसे अनाथ आश्रम में पले बड़े लोगों के लिए आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गेट अप। देखिए उसने मुझे कम नहीं डांटा, इतने सालों से मैंने जो सच्चाई और इज्जत कमा के रखी थी सब खत्म हो गई, जहां काम कर रहा हूं वहां भी पूछते हैं कि तुझे पुलिस क्यों लेके गई, शर्मिंदगी होती है मुझे। एक फैमिली मेरी सिचुएशन समझ के मुझे लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, खुद पे भरोसा रखो तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं हूं ना? यस आप हो तो मैं डबल ओके, आपकी आंखें देखकर मैं बेहोश हो गया था, आप मिल जाएगी तो मैं एक मिनट में मर जाऊंगा, ये कुदरत का करिश्मा है, मैंने सोचा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन अब पता चला क्यों वेस्ट हो रहा था। मैंने तो ऐसे ही प्यार से बोल दिया था, ये पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? बोलो क्या हुआ था? मैं जब कॉलेज खत्म करके लौट रही थी तो रोड पे पटाखे फूट रहे थे, मैं कान बंद करके खड़ी हो गई, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, वो चार लोग थे मुझे वैन में किडनैप करके ले गए। वो फाइल देना जरा। जी मैडम। मैडम बाकी के तीन यही हैं क्या?
हैं वो लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं उस घर में थी, बस इतना ही पता है मुझे। ऑटो, तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? He is an auditor. कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? शेयर मार्केटिंग भी करते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, उस दिन डर क्यों रही थी? उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैडम, ऑटो आ गया। ओके, दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट मत करना। ओके, जाओ अभी। मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। इंदिरा नगर चलो। इधर आओ। अभी घर पर कोई नहीं है? अभी कहाँ है मैडम? वो लड़की भी? ए, आप उनको जाकर उधर फंसना नहीं है, जल्दी चलो। अपना पीछा वो इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। वो लड़की ऑटो में नहीं आई? नहीं आई। फोन करके देखो, घर की चाबी है? हाँ है। हमेशा घर की चाबी देके जाते हैं क्या? सब जाते हैं तो चाबी लेकर जाते हैं, लड़की रहती तो चाबी देकर जाते हैं। मैडम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम वो लड़की आधे रास्ते में उतर के चली गई। फोन पे किसी से उसने बात किया कि मुझसे पुलिस वालों ने इंक्वायरी की और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसका नाम भी बताया उसने, और फिर वो पैसे देकर चली गई। उतर के कहाँ गई? साइड में खड़ी थी एक सिल्वर कलर की गाड़ी, उसी में बैठ के चली गई। वो गाड़ी का नंबर याद है? नहीं मैडम, उसी टाइम मेरी बीबी का फोन आ गया तो ध्यान भटक गया, मैं अपनी बीबी से गुस्से में बात कर रहा था। क्या भाई, क्या बात है? ए राघव, थोड़े दिन के लिए मेरी गाड़ी बाहर मत निकाल, और गाड़ी बाहर ले जाके ये देख ले कि पुलिस चेकिंग है कि नहीं, समझा? भाई मुझे किसी लफड़े उफड़े में मत डालो भाई। ए, हलवा खाने से पहले सोचना चाहिए, अब पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या भाई, इसलिए बोला था चना मत खाओ, खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा ही ना। ये भी कुछ भी बकते जा रहा है। माँ हम यहाँ वहाँ छुप कर क्यों रह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू चुप कर, चल अंदर चलते हैं। हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। व्हाट? अरे बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से पुलिस स्टेशन में हो। तुम चलते रहो। आपका नाम नहीं पता, आप कौन से गांव से हैं? अच्छा आप उस ग्राउंड में भी नहीं आती आजकल, आपको देखने से लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। सुनिए, आपसे मिलने के लिए मैंने आपको कहां कहां ढूंढा पता है? ए, गाड़ी हटा वहां से। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ए, साइड पे ले। ए मिस्टर, मैं उनसे बात कर रहा हूं ना। देखिए मुझे आजकल नींद नहीं आती। ए स्टूपिड, गाड़ी हटा। आप मेरी आंखों में बसी हैं, हमेशा आपकी ही याद आती है। क्या बकवास कर रहे हैं, गाड़ी हटा नहीं तो अंदर कर दूंगी। इडियट। ए, वो तुझे थप्पड़ मार के गई और तू प्यार कर रहा है? वो लड़की नहीं पटेगी, छोड़ दे उसे। क्यों मारा? अब बता, इस थप्पड़ के लिए तू मुझे छोड़ देगा? प्यार के लिए एक थप्पड़ ही नहीं,
100 थप्पड़ खा सकता हूँ। 100 प्यार तू कर रहा है, मैं क्यों खाऊं? प्यार हो गया मतलब इसकी कहानी खत्म। मुझे बुलाया? हाँ तुझे ही। सर लग रहा है एड्रेस पूछ रही है, चलो पास चल के देखते हैं। चलो ना सर, खड़े क्या है, चलो। आप अपना काम करो मिस्त्री, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। सर मैं भी आपके साथ आता हूँ। रोड पे आती जाती लड़कियों को ऐसे देखते हो क्या? उम्र का फर्क है कि नहीं? तेरी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है? लड़कियाँ इतनी चीप हो गई हैं क्या? बस मैडम आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो फिर क्यों रोड पे खड़ी होकर कमर हिला हिला के पूछ रही थी आप? बातें करते समय आप हाथ क्यों उठा रही हैं? ऐसे पेश आ रही है जैसे साइड पे कुछ गलत हो रहा है। देख लिया ना सर। सॉरी मैडम, इनके साथ आप जैसा भी पेश आइए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये क्या हो गया इनको? तू ही मिस्त्री है क्या? ए मनियारी जल्दी इधर आ, इधर आ जल्दी। आ रही हूं। ये मनियारी कौन है? मेरी बीवी है। अब तुझे बीवी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ जी? हाँ मेरी बीवी। ये मेरे पति हैं जी, जरा ज्यादा बोलते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए कल कहीं जाकर मार खा कर आए हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। माफ कर दीजिए इसे। सिगरेट ले जाओ। कितनी बार बोला कि गाड़ी में आते समय तू मुझे ही देख रहा था ना? एक्चुअली आपका चेहरा मैंने नहीं देखा। क्या? वो आपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था ना, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। हेलो विजय, आप सब निकल जाओ, मुझे कुछ पर्सनल काम है। गाड़ी पे बैठ, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। तुझे ही बोल रही हूँ, बैठ। सुनो भाई, इसे ऑफिस में रख दो। चलो भैया। चलिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी इज्जत चली गई, और आज रोड पे जाती हुई लड़की को ऐसे घूर रहा है, यही तेरी इज्जत है? जब देखो बड़बड़ करता रहता है, अभी जवाब दे, बोल। सो, उस दिन की हरकत और आज की हरकत में कोई संबंध नहीं है। ओ, तुमने जो हरकत की वो गलत नहीं है और हम करें तो वो गलत है, ये कैसा न्याय मैडम? ठीक है, किसी ट्रस्ट का नाम बोल रहे थे ना, वो कहाँ है? पल्लावरम में। ठीक है वही चलते हैं। अरे रे, वहाँ पर मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसे बिगाड़ मत देना प्लीज। ए, चुपचाप चल। ठीक है। खाना खाया तूने? क्या खाया तूने? दाल चावल और रोटी। ये है मेरी फैमिली, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। ये कौन है भैया? ये ना आपकी वाली है क्या? बहुत मस्त दिख रही है। मस्ती खोर, जा जाके खेल। जाओ जाओ जाओ। क्यों भाई, जो पढ़ रहे हो याद तो है ना? हाँ याद है। क्यों कार्तिक, कौन है ये? यहाँ का कामकाज ये संभालते हैं। बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना सब यही संभालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जब तक मैं और सर हैं तब तक, उसके बाद तो सब छोटे का ही है। ठीक है आप अभी पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। कहाँ की रहने वाली? चेन्नई। काम क्या करती है और किस सिलसिले में सर से मिलने आई? पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टीम। चलो। पुलिस वाली। आजा बेटा, आजा मेरे पास। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, अब से यही है तुम्हारे मम्मी पापा। रोते नहीं बेटा, आराम से बेटा, रोते नहीं। मैं अपनी पूरी जायदाद बच्चे की। हाँ ठीक है ठीक है, रख लो। जायदाद बड़ी बात नहीं है, लड़के को पालना ही बड़ी बात है। हम अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे, अब से ये हमारा बेटा है। सुभाष रोते नहीं बेटा। सुभाष आजा आजा आजा। ओए हो, क्यों रो रहा है बेटा? मम्मी मम्मी पूछ रहा था ना, ये ले मम्मी आ गई। जा जा। आज से सुभाष तुम्हारा बेटा है जी। चल, मेरी याद इसको नहीं आनी चाहिए। रोते नहीं बेटा। शरवण जी, हमारे रिश्तेदारों में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें माँ बाप पुकारने वाला यही बच्चा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झुक झुक जी हो। चलता हूँ। रोते नहीं बेटा, अब हम घर चलेंगे, अपने घर चलेंगे बेटा, अपने घर चलेंगे बेटा। रोते नहीं है ना बेटा, ना ना। लड़का ज्यादा ही रो रहा है, रोने दो।
इसके रोने से उसका पूरा कष्ट चला जाएगा, यही मैं चाहता हूं कार्तिक। कार्तिक ये कौन? ये सर संगीता, मेरा नाम संगीता माथुर है। कार्तिक ने कहा आप ही सब कुछ हो इसके, तो ये क्यों आई? सर ये मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी करने आई है। हाँ सर, मैं कार्तिक से। कार्तिक से क्या? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ? हेलो, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या ये सब? एक्चुअली सर ये पुलिस वाली है। पुलिस है तो क्या हुआ, वो भी एक प्रोफेशन है ना। कार्तिक तू इसे दिल से प्यार करता है ना, सच बोल। तुझे पसंद है तो कॉन्फिडेंस से बोल। दिल से करता हूँ सर। तो फिर क्या है, शादी कर लो। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात। ये बताओ तुम्हारा ट्रस्ट अनाथ आश्रम है ना? नहीं, अनाथ आश्रम नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों के लिए एक मदद है। हमारा ट्रस्ट एक मंदिर के समान है। तुमने देखा होगा चाय की दुकान में, बार में, होटल्स में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अब वो बचपन में काम करते हैं बेचारे, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। उन सब बच्चों को बुलाकर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको वापस से पढ़ाते हैं, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ना रुक जाए। हमारे सर श्रवण जी बच्चों के लिए भगवान ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी भगवान है। इस तरह सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके आज वो अपनी हिम्मत पर अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रवण सर हैं। ट्रस्ट में पले बड़े हो तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ड्राइवर जी मैडम, जरा गाड़ी साइड में लगाना। जी मैडम। जरा वो दुकान से न्यूज़पेपर लेकर आऊं। लाता हूं मैडम, लेकिन वो बहुत दूर है मैडम। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। अच्छा एक मिड्डे भी ले लेना। बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो, सॉरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा का लव मैरिज हुआ था, लेकिन ये उन दोनों के परिवार के खिलाफ था। मैंने बचपन से दादा दादी को नहीं देखा, मेरे बड़े होते ही सब एक साथ रहेंगे ऐसा पापा ने कहा था, लेकिन मेरे बड़े होने के बाद मम्मी पापा भी नहीं रहे। क्या हुआ था उन्हें? ठीक है, कुछ मत बोलो, प्लीज रिलैक्स। मेरे पापा एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थे। उस कंपनी में काम करने वाले बॉस के रिश्तेदार कुछ गैरकानूनी काम कर रहे थे, तो पापा उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने पापा को धमकी दी, लेकिन पापा नहीं माने और एक दिन सब लोगों ने एक साथ मिलकर पापा को मार डाला। माँ बीच में आ गई तो माँ को भी मार डाला। तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे पूछे भी नहीं फैसला करेगा, या फिर तू मुझे बेवकूफ समझता है? अब बोलता क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैंने सोचा कि पुरानी कार देकर नई कार ले लूं, बस आपसे यही पूछने आया था। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना, बैठिए। क्यों बेटी, और कोई नहीं आया इनके साथ? इसके पहले तो कभी इनको मैंने यहाँ पर नहीं देखा। ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अभी प्यार वार की बात करने लगे, इतनी बड़ी। आपने छाछ मांगी थी ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। यस यस। इतने दिनों से हमने जो लड़के सजेस्ट किए वो मना कर दिए। कुछ भी हो, 3 महीने के बाद उसकी शादी, 1 साल बाद तेरी शादी, फिर मेरी भी हो जाएगी। ए, ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा मत बोल यार, मैं तेरे भरोसे हूँ। पापा ये सब मत बोलो, मेरे सिवाय इसका कोई नहीं है, हम दोनों की शादी करा दीजिए। लीजिए प्लीज। सुनिए जी, बड़े वाले की उम्र 33 साल की हो गई है, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक आप उसकी शादी नहीं करवाओगे, और वो रोड पे आते जाते लड़कियों को देखता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए, मम्मी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो पापा भी दे देंगे, चल मंडप बुक कर देते हैं। ओके। ये कह रही है ना कि इसे वो लड़का पसंद है तो आप इसकी शादी करा दीजिए। ऐसे कैसे हां कर दूं,
ना इसके घर बार का पता है ना रिश्तेदारों का। कल को अगर कुछ अच्छा बुरा हो गया तो कौन आएगा? मैं ऐसे हाँ नहीं कर सकता। ए, ये इसकी शादी नहीं होने देंगे और इसकी नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। उधर जाकर बात कर, बस आखिरी साल है, मैं और वेट नहीं कर सकता। ये तेरे लिए शर्म की बात है, इज्जत से इसी लड़के से शादी करा दो। ठीक है, देखता हूँ। पापा मेरी बात मान जाइए, प्लीज हमारी शादी करा दीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। समाज में मेरी इज्जत है, जान पहचान वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे नहीं। जरा अपने बड़े भाई को देख, क्या इसने आज तक कभी मेरी बात टाली है? ए बेटा, अब तू ही इसे समझा, और छोटे तू भी कुछ बोल। बोलो ना। अरे मैं क्या बोलूं, चुपचाप क्यों खड़ा है? संगीता, पापा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? तू क्यों नहीं बोलता? बच्ची है, मान जाएगी। पापा की बात मान लो छोटी। देखने में लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, मुंह खोले तो समझ में आए। जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। लगता है मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी आंखों के सामने ही। क्या करूं? ये क्या किया? तुम्हारे पापा से बात करके तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये टेक्निक अपनाई। मेरी बात सुनो बेटा, जल्दी से पंडित को बुला लाओ, अच्छा मुहूर्त देख के इनकी शादी करवा देते हैं। तो अपने रिश्तेदार लोग क्या करें, अब इन्हें और नहीं रोक सकते। पर पापा आपकी इज्जत। ए, मेरी इज्जत इनकी शादी करवाने से ही बचेगी। तू फोन करके पंडित को बुला, जा। ठीक है, चलो चल। क्यों जी, आप अंदर ऐसा क्या देख कर आए जिसके लिए आपने हाँ कर दी? वो क्या है कि हाँ? दामाद जी ने मेरी ही टेक्निक फॉलो की है। शर्मा गई। हेलो कार्तिक, बोलो कैसे फोन किया? सर को क्या हुआ, उनका फोन नहीं लग रहा है। अरे सर तो अभी बाहर गए। हाँ लेकिन फोन तो लगना चाहिए ना, सब ठीक तो है ना? ठीक है, क्या है ना, दो दिन से वो रेस्ट नहीं लिए थे, इसलिए फोन चार्जर पर लगाया और सो रहे हैं। हाँ मगर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, कोई खास बात है क्या? नहीं पता नहीं कार्तिक, कुछ बोले नहीं, उनके उठते ही मैं उनको बोलता हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। फिर वो सदाशिव की कार? मैडम वो कार ट्रेस करते समय अम्बतूर के पास सीसीटीवी कैमरे से क्रॉस हुआ है, पर चेन्नई क्रॉस नहीं किया। आई थिंक हम लोगों को सदाशिव की फैमिली से क्लोज कांटेक्ट करना पड़ेगा। सर कार्तिक बेटा, सर हम सबको छोड़कर चले गए, सर का ही तो सहारा था, अब हम लोग कैसे जिएंगे? कार्तिक सर, कार्तिक सर, पिछले छह महीने सदाशिव के सिम से यूज किए हुए कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इससे पता चलेगा कि किसने किसने कॉन्टेक्ट किए हैं। सदाशिव क्यों छिप रहा है? हम लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसी अक्यूज ने सदाशिव की फैमिली को किडनैप किया होगा। ये मार्क किया हुआ नंबर देखिए मैडम। What do you mean? एक मिस्ड कॉल आया था, सदाशिव को किसी ने फोन करके कट कर दिया। सदाशिव ने उस मिस कॉल को रिस्पॉन्स नहीं किया? नहीं किया मैडम। ओके आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चलो बताता हूँ। चलो चलिए। क्या नाम है तुम्हारा? जांगा। कहाँ के रहने वाले हो? कोलपट्टी। क्या काम करते हो? मेरी एक बेकरी है।
मैडम क्या प्रॉब्लम है? फोन नीचे रखो। डुएल सिम है। ये फोन कब लिया है? ये सब सवाल ये क्यों पूछ रही है? 6 महीने हो गए मैडम। तो पहले वाला फोन कौन सा मैडम? वो फोन कहाँ है? मैडम ये फोन लेते ही वो फोन मैंने अपने लेबर को दे दिया। तुम जा सकते हो। ए, जा तो। ठीक है मैडम, चलता हूँ। सांगा की मोबाइल हिस्ट्री इसी में है ना? यस मैडम। ही इज वन ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। तो इस सांगा ने लास्ट नाइट 9:25 को सदाशिव को कॉल किया था, पर वो मिस कॉल हो गया। दोबारा डायल करते ही उसने फोन काट दिया। इसका मतलब है उसने दूसरे नंबर से कॉल किया होगा। अब हमें उस नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगाना होगा। टच द फेस। हाँ बोल। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। लेकिन तूने कुछ बताया तो नहीं? सही सही बोल। मैंने कुछ नहीं बताया, पर पता नहीं मुझे क्यों बुलाया। तू सच बोल रहा है ना? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। चल, चल, चल। ये फोन क्यों कट गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहा है? मैंने मारने के लिए बोला तो तू मारेगा? मेरे खिलाफ तो धंधा करेगा? मेरे लोगों को तूने मारा और तू मुझे भी मारेगा? ये मारना क्या होता है? ठीक है, गांव में मेरा भाई है करके घूम रहा है, तू मेरे जैसा दिखता है तो क्या तू मेरा भाई है? बोल रे। कनिष्मरा, तू मुझे मंदिर बुला रहा है? पता चल रहा है मुझे, अगले शनिवार को मैं पक्का आ जाऊंगा। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। भाई मुझे छोड़ दो, माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता भाई। उपवास के दिन चुपचाप बैठने का, नहीं तो ऐसे ही मार खाएगा। ए, क्लियर कर दो, फोन ला। हेलो दिलावर, सांगा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ भाई। हाँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा वो। बाहर निकालो उसे। चल बारा। चल। चल। सांगा, मैडम, मैडम सुनो, तुम जा सकते हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम मुझे मत मारिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। रास्ते का रोड़ा संगीता है, इसे भी टपका देता। अबे तूने संगीता की जगह सांगा को मार दिया, यहां से निकल, फंसा है क्या तू? ए चल। साइड में ले इसे। छोड़ो।
क्या हुआ अचानक से फोन किया? कोई खास बात है क्या? क्या हुआ बोलो? सॉरी कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। पहले बोलो बात क्या है। मैडम मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी झूठ नहीं है मैडम। श्रवण को मैंने ही मारा। What? क्यों मारा उन्हें? उन्होंने मुझे मारने के लिए बोला था मैडम। मुझे मत मारना मैडम। सर सांगा के मरने से तुम्हें क्या परेशानी है? जिस क्रिमिनल को हम ढूंढ रहे हैं उसके साथ इसका क्या संबंध है? सांगा की डिटेल क्यों चाहिए? सर, सदाशिव की लड़की को जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसी क्रिमिनल ने किडनैप किया है। इस केस के बारे में सब कुछ जानता हूँ, समझाने की कोशिश मत करो। सदाशिव के पीछे क्यों पड़ी हो? क्रिमिनल को ढूंढोगे तो सदाशिव की लड़की अपने आप मिल जाएगी, क्या समझी? I'm sure, सर, सदाशिव और क्रिमिनल के बीच में कोई संबंध है। इंक्वायरी करते समय सांगा मारा गया, इसमें कोई बड़ा हाथ है सर। मेरा ख्याल है सांगा ने ही श्रवण को मारा है। संगीता, यू डोंट मिस्टेक मी, अपना पर्सनल मैटर बीच में मत लाओ। आई थिंक यू फॉल इन लव। सर, तुम अपना काम करो, बाकी कामों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। श्रवण के केस में इंक्वायरी करना तुम्हारी ड्यूटी है। व्हाट्स योर असाइनमेंट? वी आर अंडर प्रेशर। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन? क्रिमिनल छिपे हुए हैं सर, उनके मूवमेंट पता नहीं चल रहे हैं। तुम चाहो तो स्टेट आईपी की मदद ले सकती हो। ओके सर। संगीता तुम कब आई? मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था लेकिन तुमने ही मुझे बुला लिया, क्या हुआ? कार्तिक, I love my job, मुझे काम बहुत पसंद है, but क्या हुआ? कार्तिक, मुझे चुप रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सर के केस में कुछ तो बड़ा क्राइम है, मैं अपने सुपीरियर की बात सुनने के लिए मजबूर हूँ। क्राइम मतलब कैसा क्राइम? उस क्राइम के बारे में मुझे इंक्वायरी ही नहीं करने दे रहे। I need some clarification. उसके लिए चांस ही नहीं दे रहे। लगता है उस क्राइम का कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर सर की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है? आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ हिम, और तुम कह रही हो कुछ नहीं होगा? सो पुलिस सेल्फिश, तुम लोग जो चाहते हो वही करोगे। क्या तुम भाई मुझे गलत बोल रहे हो? डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वही कर रही हो ना? मैं ही नहीं, सभी को वही करना पड़ता है। कार्तिक, इतिहास में कोई सच छिपा नहीं रह सकता है, वो किसी भी रूप में बाहर निकलेगा ही, इसलिए मैं भी वेट कर रही हूं। आई डू माई लेवल बेस्ट। रामस्वामी जी। आओ कार्तिक। वो छह लड़कों को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पढ़ाएंगे ऐसा सर ने कहा था ना? हाँ सर बोले थे। वो गांव में लड़कों के साथ गए थे क्या? हाँ गए थे। आने के बाद कुछ बोला था? नहीं, कुछ परेशान लग रहे थे, मैंने पूछा भी था तो बोले कुछ नहीं, मन ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो चले गए, उसके बाद तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। मुझे फोन करने को बोले तब मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है, जब मैंने फोन किया था तब वो कहाँ थे पता? पता नहीं क्या हुआ, तुम फोन करते तो तुम्हें बता देते, उनको मरने नहीं देते, लेकिन अब तो वो मर गए। आ,
भैया आप अकेले आए हो? हाँ। दादाजी नहीं आए? सर आए थे यहाँ पर। जब ये सारे बच्चे आठवीं तक अच्छी तरह से पढ़ाई किए तो फिर आगे इनको पढ़ने से क्यों रोक रहे हो? हम लोग नहीं पढ़े सर तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए काम पर भेज दिए। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, बच्चे लोगों को तो पढ़ने देते। आप लोगों का जीवन तो बिना शिक्षा के गुजरा ही है, लेकिन बच्चों का भविष्य क्यों आप लोग बिगाड़ना चाह रहे हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? शिक्षा से बुद्धि मिलती है, ताकत मिलती है। कम से कम 18 वर्षों तक बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, इससे उनको खुशी मिलेगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। शर्वन सर, मैंने अपने बच्चों को आपके पास भेजा था, उसे लेकर नहीं आए। सर मेरा बच्चा भी नहीं आया। सर मेरा पोता भी नहीं आया। सर 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 हमारा बेटा भी नहीं आया। मेरी बेटी भी नहीं आई अभी तक। मेरा बेटा भी। कितने लोग, आखिर और कितने लोग अपने बच्चों की जिंदगी खराब करोगे? सर आसपास के 5 गांव के लोगों को 15,000 देकर लगभग 30-40 बच्चों को ले गए। ए चलो जल्दी जल्दी चलो 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 बेटा, चल जल्दी अंदर, चलो अंदर जा, चढ़ बोला ना, चल जल्दी जल्दी चल अंदर, चल जल्दी बस के अंदर जा, अंदर जा बोला ना, चल बस के अंदर, चल अंदर बैठ, चल जा अंदर जा। उसमें 10-15 लड़कियां भी हैं। क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या किया तुम लोगों ने, आखिर क्या किया तुम लोगों ने? अरे आखिर कब तक ऐसा सहते रहोगे, ये कितने सालों से हो रहा है। क्या कहा तुमने? हमने उनको बोला मुथु करपन काम पर ले गए हैं। कौन है ये मुथु करपन? पैसे बोले थे गांव वाले मुंह फाड़ने लगे। अभी वो सारे बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं? वो सब मुझे ठीक से मालूम नहीं सर। जहाँ मैं ड्यू भरने जाता हूँ वहाँ एक सांगा नाम का बंदा था, उसको काम के लिए लड़के चाहिए बोला, इसलिए मैं ले जाकर छोड़ा। सब ताम्बरम कड़प्पा कुडनगरी के लकड़े का मिल वाटर कंपनी में लड़के लोग काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो उसमें तेरा कितना कमीशन है? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इन बच्चों को तो सिर्फ मैंने छोड़ा है, मैंने एक रुपया भी नहीं लिया है, मैंने तो अच्छा काम किया है। तूने तो सत्यानाश कर दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। इसके बाद तो ऐसा मत कर। सर फोन। हेलो ठीक है मैं अभी आता हूं। देन मिस्टर रत्नावेलु, $1 million has been transferred into your gang in Malaysia. थैंक यू वेरी मच रोनाल्ड। वेलकम। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का रेट $2 million होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेल लेट्स सेलिब्रेट दिस, आई विल बैक इन फ्यू मिनट्स, टेक दिस। ओके मैं देख लेती हूँ सर। हाय। आखिर फंस गया ना भाई, बहुत चकमा दे रहा था। अपने काम धंधे की वाट लगा कर रख दिया इसने। पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, मैं तो उधर ही टपका देता, लेकिन आपने बोला जिंदा चाहिए। सर मैंने जो किया गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। सदा मैंने तुझे हमेशा दोस्त समझा, लेकिन तूने दोस्ती नहीं निभाई। ऑडिटिंग के नाम पर तूने 31 करोड़ लूटे हैं, मेरे साथ रहते हुए भी अननोन बना रहा और रिजाइन करके चला गया। बट माई गुड लक कि मेरे गए हुए क्लाइंट्स एक बार फिर से मेरे पास वापस आ गए। सर मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल छोड़ देता, लेकिन अगर तू कॉन्ट्रैक्ट पर होता, पर तुझे यहाँ लाने के लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़ा, फिर भी तुझे अकल नहीं आई और तू पुलिस के पास चला। पुलिस के पास नहीं गया था सर, मेरी लड़की ग्रुप स्टडी करने गई थी और आपके आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें आपका संबंध है। कुछ भी बोल के फंसने से अच्छा सेफ्टी साइड मैंने पुलिस को बोल दिया। मैं फंसा तो अपना नेटवर्क भी फंस जाएगा सोचा। मेरे साथ गद्दारी का अंजाम। तुझे बाहर कैसे लाना है ये मुझे पता था।
अरे बच्चों, कोई मनियारी के लोग यहाँ पे हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो जल्दी जल्दी काम करो। क्या इतने धीरे काम करो हैं? चलो जल्दी करो, क्या हो रहा है सब? अरे रे भावना, क्या हो गया? आधे पीते नहीं है, मेरी जान खा जाते हैं। बेहोश हो के टाइम पास मत करना, आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद मैं नहीं छोड़ूंगा किसको, समझे? नहीं भैया, ये सच में बीमार है। हाँ, तुम लोग को कोई और बहाना नहीं मिला है। ए खड़ी क्या है, काम कर, ए चल जल्दी कर, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। उठना, उठ। बहन क्या हुआ इसे? ये बेहोश हो गई काम करते करते, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर के पास ले जा रहे हो? हाँ भैया। ए कौन है तू, क्या चाहिए तुझे? पिचर से यहाँ कोई नहीं है, तू जा सकता है, समझा? मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है। ए सुनो, यहाँ कोई पिचर से है? नहीं है, कोई नहीं है, चल निकल यहाँ से। ए गाड़ी चला। अरे बच्चों, तुम सब किस गांव से हो? किचूर गांव से। पिचूर के? आओ आओ नजदीक आओ, यहाँ आओ। तुम्हारे गांव से कितने लोग आए थे? 23 जन आए थे। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं भैया, यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रहा है। गांव जाकर मम्मी पापा को देखने का मन कर रहा है, ये लोग जाने नहीं दे रहे। भैया थोड़े दिन पहले दादाजी पूछ कर गए थे, हम सभी को गांव लेकर जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। आप तो हमें ले जाएंगे ना? श्रवण सर यहाँ आए थे, उनके साथ क्या हुआ था बोलना, क्या किया उनके साथ? ए बच्चे लोग, तुम लोग काम को रोक दो, सब लोग मेरे साथ चलो, आ जाओ, चलो साथ आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, चलो मेरे साथ। क्या चल रहा है? काम अच्छे से चल रहा है सर, कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वो लकड़ी का लोड भेजना था, क्या हुआ, निकल गया? सिंगापुर का माल ना सर। और बाकी कंटेनर? हाँ, वो भी निकल ही रहा है सर। निकल रहा है। वो भी रेडी हुआ कि नहीं? सब रेडी है सर, बस निकलने की देरी है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, वहाँ कोई रहना नहीं चाहिए, और ध्यान रखना कि कोई रिपोर्टर ना आने पाए। सब क्लियर है, ये सब मैं देख लूंगा सर। ए, 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 किधर जा रहे हो तुम लोग, चलो। क्या कर रहे हो तुम? ये लोग अंदर क्यों आएंगे? सांगा, किधर जा रहे हो? बच्चों पर हाथ उठाएगा तू? कैसी आवाज़ें हैं? अगर तूने बच्चों पर हाथ उठाया ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सर श्रवण है। उसके साथ और कोई आया है क्या? वो सब के सब मुझे चाहिए। कोई नहीं। ठीक है, फोन काटना। बोलो, मुझे वहाँ की बातें सुननी है। ए बाजू हटो, क्या बात है भाई? ये देखो ना, तो तुम हो, उस दिन तो बोले थे बच्चों से काम नहीं कराऊंगा, तो फिर ये क्या है सब? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी कंपनी में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, सारे बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, जो करना है कर लेना। सांगा, सांगा। ये कंपनी किसकी है उसे पता है? नहीं पता सर। पता है, कौन है फोन पे? बिजनेसमैन रत्नम वेलू है ना? अच्छी तरह से पता है मुझे, क्या सोच रहा है अपने आप को तू? सोसाइटी में अच्छी तरह से रहने वाला ऐसा करता है क्या? जितने दिनों तक बच्चों ने काम किया उनका एक एक हिसाब कर दो और पैसे दे दो, मैं उनको साथ में ले जाऊंगा। प्रॉब्लम मत बढ़ा, वो जैसा कहता है वैसा ही करो। ओके सर। चलो आओ।
कम। ठीक है, सर ने कह दिया है, सारे बच्चों का हिसाब किताब करके मैं रख देता हूँ, कल आकर ले जाना। कल? अब क्या सोच रहे हैं साहब, आपसे कह दिया ना, कर देंगे, हमें भी बच्चों से बहुत प्यार है। ये कार्तिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुनो बच्चों, खा पी कर आराम से सो जाओ, जाओ जाओ। ए, ए। कलेक्टर साहब अभी फोन किए थे, वो कल ही आएंगे। पर सर की गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो पूरी फैमिली के साथ मंदिर गए हैं, पर्सनल काम के लिए ऑफिस की कार यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाद में आता हूँ, सर आए तो बोल देना। नमस्कार। ठीक है सर। टू कलेक्टर सर, श्रम महात्मा ट्रस्ट से श्रमण, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन अपनी कंपनी में काम करने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह माफ करिएगा, मेरी फाइल छूट गई। ये रही सर, ले जाइए। चलता हूं सर। हाँ, खड़े खड़े लाख रुपया कमा लिया, क्या करे, आदमी तो अच्छा दिखाई देता है, आखिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, शनि जो इसके सर पर बैठा है। बकरी मैं कर रही है। सुन रहे भाई, बकरी दिखाई दे रहा हूँ। सांगा जी, तुम भी चले जाओ, एविडेंस छोड़ना मत, सब लेके आ जाओ। के मरने की खबर तो किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं है, तो किसी ने यह बात छुपाई है, क्यों? मैडम, सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। मैडम, सारे क्रिमिनल्स इसी रास्ते से जा रहे हैं और हम यहाँ पर जाकर उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है मैडम, और इस बात की खबर किसी को कानोकान नहीं है। हाँ ठीक है, तुम सब गाँव निकलो, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है, संभल के जाना। बाय। ए, तू क्यों नहीं जा रहा है? मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों? ए, जरा हील छोड़ दिया तो यूनियन बना रहा है तू? हैं? तेरे गांव से तेरे मम्मी पापा को पैसा देकर ले आया तो यहाँ आके शान पट्टी कर रहा है तू? तेरी तो भगा दे। बताता हूँ तेरे का। ठीक है, आजा। भाई, अपना शक सही निकला, महात्मा ट्रस्ट के एक बंदे ने अपने मिल के एक आदमी को मार डाला। छे, अनाथ लौंडे की इतनी डेयरिंग, तू से टपकाएगा क्या? हाँ भाई, भाई मैं टपकाऊंगा। नहीं भाई, वो नया ईंट का मिल आ रहा ना, वो लेकर दोगे तो मैं सेटल हो जाऊंगा भाई। तेरी राशि क्या है? मकर राशि। और इसकी मेष राशि? मेष राशि, मेष राशि राहुल, मेष राशि में प्रॉब्लम है। ए तू जा रे। ठीक है भाई। मार के रहूंगा उसे।
हटना, पता है बहुत अर्जेंट है मेरे को, हट हट सामने से। हेलो, पोजीशन में है ना सब लोग? यस yes. मैडम को बुलाओ ना। ओके सब लोग अलर्ट रहना। ए भाई बड़ी मस्त आइटम लग रही है। दिख रही है क्या कमर है? नहीं दिख रही है। सेवन अप है क्या? है छोटे निकाल के दे रहे हैं। अभी देता हूँ। गोटी वाला सोडा नहीं है क्या? वो वाला सोडा नहीं है, ये ले लो, ये पियो। ठीक है लाओ। क्या है, मैंने सोचा जीजू का होगी, भैया बोल दिया। सामान तो मजबूत है। अरे ये तो एक ही सांस में पूरी बोतल पी गई। तो मुंह में पानी भी आ गया। कैसे चला रहा है, दिखता नहीं है क्या? तुझे देख के चलना चाहिए। तुझे मेरी गाड़ी मिली है क्या? जाके कहीं और मार तेरी तो। हेलो मैडम, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ब्रोकर सिल्वर्स इधर ही आ रहा है, ब्लू कलर टीवीएस और दाढ़ी में आ रहा है। आए है, क्या चीज है। ठीक है मैं देख लेती हूँ। चलो फिर मिलना। चलोगी क्या? कितना लोगी? गाड़ी निकाल बताती हूँ। चलो छी, जीने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। बिना गियर की गाड़ी वाला आइटम लेके चला गया। लड्डू बोले तो यही लड्डू है। इसका रेट क्या होगा? छी, क्या रे तू रेट की बात करता है? अरे रेट का क्या, करोड़ों दे सकता हूँ और पूरी जायदाद भी दे देता। चला जा। सुन ले, अपन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, 2000 रुपया देता हूँ। अभी एक कस्टमर आएगा, उसे पटा लेना। चल जा। देखा इसे, ये तो अपन को ही हजम कर लेगी। छोड़े, अपने पास वैसे भी है ही क्या? अच्छी पढ़ी लिखी लग रही है, अच्छे घराने से लग रही है, यहाँ क्यों आई? दीदी हमें बोल रही है। दीदी यही है, इसने मुझे भरोसा दिलाकर मेरी इज्जत लूट ली। इसे देखा है क्या कहीं? दिखा दो। आप लोग बताओगी तो अच्छा होगा, इससे मिलूंगी तो ये सब छोड़कर इसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी।
कस्टमर आ गया है, इसकी गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, तू फटाफट आ जा। नमस्कार। ए, इस बार का माल कैसा है? हाथी तो नहीं ले आए? हाथी नहीं, घोड़ी है, अरब की घोड़ी है। ओ, ना पैसा दे। बिल्कुल मस्त है ना? हाँ। उधारी में चल ये जाएगा? सब काम नहीं होगा, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? फोकट में काम बजा के लेना चाहता है। अरे तो क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। दिन भर में कितने लोग आते जाते रहते हैं यहाँ, किसको किसको याद रखूं? ये ले। एक दो तो याद रह जाएगा, इसे तो नहीं जानती। ये है क्या? अपना कस्टमर है, कभी कभार आता जाता है, थोड़े दिन के लिए मुझे खरीद लेता है, बहुत बुरा आदमी है। ये लाल साड़ी, आ जा। एक ना एक दिन तो जरूर फंसेगा, अब क्या करे, जा तू। इंस्पेक्टर को मेरा नाम बोला क्या? क्या किया? मेरा नाम लेने के बाद उसने मारा है? ठीक है छोड़, मैं एसीपी से बात कर लेता हूँ। अब क्या क्या करूँ इन लोगों के लिए। जैसा सोचा था वैसे ही आइटम निकली। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए मुझे। हेलो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, वो देखा क्या? घोड़ी में सवारी हूँ, शूट कर दूंगी। शादी हो गई ना? बोल। हाँ हो गई, यही 20 साल। अरे मुझे माफ कर दीजिए मैडम। 20 साल हो गए, 2 बीवी हैं, बस नहीं है तुझे? माफ कर दीजिए मुझे। उठा लूंगी तुझे, उठ। पहन इसे। पहन ये शर्ट भी, पहन अपनी, पहन इसे, पहन। जल्दी कर, निकल अब। अरे रुकिए ना। निकल। मुझ पर निकल। अरे कहाँ फंसा दिया इसने? आओ भाई, घोड़ी की सवारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया कसम से। आपके चेहरे पे वो दिख रहा है। सही बात कह रहे हैं आप। भाई आप जरूर दोबारा आना। बिल्कुल, बहुत जल्दी दोबारा आऊंगा। तेरी तो ऐसी क्यों बोल रहा है? फंसा दिया। अभी क्या खबर है? आज मिस नहीं होगा भाई, आज उसका खात्मा होना ही चाहिए। उसका खात्मा करके रहूंगा। ककड़ी ले लो सर। अरे सर, आगे जाके खड़ा ले लो सर। हाँ ये लो, ले लो 10 का 5। 10 का 5। आगे जाना, मैं ले रहा हूँ ना। ले लो ककड़ी, ले लो सर। भाई साहब सर, ककड़ी 10 का 5। सर ले लो। हाँ पैसा भाई। अरे जाओ यार, ले लो ना साहब। अरे नहीं चाहिए साहब, सिर्फ 10 रुपए का है। अरे ले लो ना साहब, परेशान मत। अरे ले लो ना, अरे बस 10 रुपया सर। सर अरे ले लो ना, लो ना। कितने का है ये सर? 10 रुपए का है। 10 रुपए का सर? सर 10 रुपए का है सर, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है सर, ले लीजिए सर। सर सर ले लीजिए सर। सर सर बहुत अच्छा है सर। सर गर्मी से आराम दिलाएंगे सर। सर बहुत अच्छा है सर, ले ले। तेरी तो ना के तुझे काम कराते हैं और तू नखरे करता है। नहीं 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 नहीं, मर जा रे। मेरा बदला पूरा हुआ। क्यों बे, बदला ले लिया गांव जाएगा?
और कहाँ जाऊँ, गाँव ही जाऊँगा। I need this job to be done within a week. Is it possible? Why not? It's always possible. Don't worry. Cool. पेरुमल को टपका दिया। What's wrong? No, it's a local issue. Okay, Ratanavelu. But for any reason, it should not disturb our business. You know that, right? Be careful. Bye. Bye. क्या है? पेरुमल को मार दिया। तू बीच में क्यों बोल रहा था? आपने पेरुमल को टपका दिया। तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? जो मरा वो तेरा भाई था या मेरा भाई? इस बिजनेस में तो लोग रोज मरते रहते हैं, इसमें खास क्या है? वैसे वो मरा कैसे? वो तो टॉयलेट के पास मरा पड़ा हुआ था। डिस्पोज कर दे। वो लड़के लोग ट्रस्ट में घुसकर उस बुड्ढे को टपका देंगे। नो नो, ट्रस्ट में कोई भी मर्डर होगा तो वो घूम फिरकर अपने ही सिर पे आएगा। उसे किसी भी तरह से हमें ही खत्म करना होगा। क्या करना है मुझे पता है। फिलहाल दिलावर, तुझे अलर्ट रहना होगा। ये मुझे ऐसा क्यों बोल के गया? जाकर एक बार मैं अपने पंडित से मिलकर आता हूं। हाय। अरे तू है क्या? पहचाना नहीं? पहचानूंगी क्यों नहीं। अब आया है। कहाँ चलना है? तेरे घर चलेंगे, बैठना। ए, अंदर जा, अंदर अंदर जा। जा अंदर। ए, बिरयानी खाने से पहले एक पैक बना के देना, बनाना बनाना प्लीज। लो डार्लिंग, खा लो ना। बहुत खूबसूरत है तू, इसीलिए तुझे ढूंढ कर लाया हूँ मैं। जब तेरा काम रहता है ना, तभी मैं खूबसूरत लगती हूँ। बेचारी उस लड़की का क्या कसूर था, वो भी तो सुंदर थी। हे, किसे बोल रही है तू? चमट। ए, वहाँ बाहर क्या देख रहा है तू? कुछ गलत काम किया है क्या तूने? हाँ, तेरी तो हट। अरे बाप रे, तू है? बाकी के दो कहाँ हैं? तुम लोग मुझे मारने वाले हो, मैं क्यों बताऊँ तुम लोगों को? बता, नहीं बताएगा, बता। सीधे तरीके से तुम मुझे मारने वाली है ना? इसके पहले तूने बहुत लोगों को मारा है, मरने से मैं नहीं डरता, समझी? उसे टपकाएगा क्या? ठीक है भाई।
हाय। हाय। मुझे इतनी अर्जेंटली घर क्यों बुलाया? आओ बताती हूँ। घर पे कोई नहीं है क्या? कुछ काम से सब लोग बाहर गए हैं। क्या हो? ऐसे क्यों भीग कर आए हो? अर्जेंटली बुलाओगी तो ऐसे ही आऊंगा ना। अर्जेंटली का मतलब ये नहीं कि भीग कर आओगे। अरे रेनकोट तो पहन लिया होता। एक बात बोलूं? ठीक है बोलो। सुनो, मेरे शादी के लिए घर वाले बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो जिंदगी का सवाल है, तू पीछे हट जा। अरे ले ले ले। ये सब पूछने के लिए कोई नहीं है क्या? काम करने के लिए गई थी मेरी बेटी, अरे मुर्दा बनाकर भेज दिया। मैं क्या करूं? अस्पताल जाने से पहले ही मेरी बेटी की जान चली गई। ए भगवान, ये क्या हुआ? इतनी जल्दी मेरी बेटी को तूने क्यों छीन लिया? इसे कैसे घर ले जाओ? क्या? अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी को भगवान ने छीन लिया। बेटे की तरह पाला था मैंने इसे ताकि मेरा सहारा बने। नहीं, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं। छोटी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ भैया, वो ऐसे ऐसे नहीं मर सकती है। वो उसे किसी ने मारा है भैया, उसे नहलाते समय मैंने कुछ निशान देखा। ये क्या कह रही हो? उसकी छाती पर मैंने एक निशान देखा भैया, उसके अगल बगल भी सूजी हुई थी। वो जहाँ काम करती है उस कंपनी में उसका इलाज हुआ था, और वो ठीक होने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। वहीं पे कुछ गलत हुआ होगा भैया, वो किसी बीमारी और एक्सीडेंट से मरती तो पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भैया। वो कैसे मरी और उसकी वजह क्या थी हमें कुछ नहीं पता है भैया, नहीं जानते। हम गरीबों की जान की इतनी ही कीमत है क्या? स्कूल जाऊंगी कहती रहती थी। स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उस लड़की को हमने काम पर भेज दिया और मार डाला। ए, चल। चल यहाँ से, भाग भाग यहाँ से, भाग, चल भाग। मैं घुंगरू बोल रहा हूँ, फोन उसे दे। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। भाई कौन है? फिर उसी का फोन है। बोल, मैंने कहा ना मुझे फोन नहीं करना। मोबाइल से बात करने के लिए नहीं बोले ना। ठीक है बोल। भूख लग रही है, जेब में 1 रुपए भी नहीं है। गुना भाई पैसे दिए बगैर चले गए। गुना? क्या हुआ गुना को? ए, उसने अपनी बात नहीं मानी। हेलो, गुना को किसी ने मार दिया। हेलो, उसने ही टपकाया है।
इतने लोगों को मार के भी क्या फायदा हुआ? हमारे सब साथियों को एक एक करके मार रहा है। मैं इसका बदला लूंगा, जान से मार दूंगा उसे। वो लोग यहीं पे रहते थे, उन लोगों को खाली करवा दिया मैडम, पर वो बिना बताए यहाँ से चले गए मैडम। अब वो कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। ये कहाँ कहाँ गए थे, किस किस का फोन आता था, कौन कौन मिलने आते थे, बोल सब। एक आदमी मिल करके गया था, उसका नाम पेरूमल है। पेरूमल? सुनो, कोई भी काम ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तीनों। हाँ मैडम, उसने तो यही बताया था, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। इसे अपनी कस्टडी में रखना। यस मैडम। ये कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैडम। समझे? ओके मैडम। चल। सामान चढ़ाते वक्त पेड़ उन पर गिर गया और उनकी मौत हो गई। ये तेरा बच्चा है? ठीक है इसका बाप पेरूमल ही है क्या? सुनिए मैडम, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, उन लोगों ने उसे मार दिया और मेरा मुंह भी बंद करा दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैडम। तेरा मुंह किसने बंद करा है? तिलावत ने। ये क्या सैड सॉन्ग बज रहा है? ये क्या गाना बज रहा है यार? सब जिंदगी खत्म करने के गाने बज रहे हैं, सब चैनल पे यही परेशानी चल रही है क्या? हेलो दिलावर, क्या हुआ सर? तू जल्दी से बीच हाउस पे जा, 4 दिन वहीं पर रहना, बाहर मत निकलना। क्या हुआ सर? पैनिक मत हो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर। हाँ सर, बिल्कुल मैं पहुँच जाऊँगा सर। सुन, तेरा यमराज तेरे सिर पे घूम रहा है, तू जा जल्दी। सर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे की बात है ना, तभी तो कह रहा हूँ तुझसे। वहाँ पीने का इंतजाम है ना सर? हाँ है ना। हाँ जा, पी के सो जा वहाँ पे, किसी से बात मत करना और फोन स्विच ऑफ कर देना। आगे क्या करना है बॉस? यमराज से तू लड़ेगा, ऐसा तेरे ज्योतिषी ने बोला था। मिलने दे उसको, बैंड बजाता हूँ उसकी। अब देखता हूँ राशि के हिसाब से लेफ्ट साइड का घर, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ए सुंदर। जी भाई। आमलेट बना, जापान के शुतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट बनाना। कितने अंडे का? 8। आराम से जिंदगी जीने के मजे हैं, आराम से जिंदगी जीने के। ए क्या हुआ रे तुझे? भाई 8 बोल रहे हो और गाना भी गा रहे हो, आपका बुलावा आ गया है। ओ, ये क्या चल रहा है? यमराज के राजा तू भैंस पे बैठकर मुझे देखने आ रहा है क्या? ये आराम से जिंदगी जीने के मजे हैं। ये तू क्या गाना गा रहा है? पागल, तूने नीट पैक मार लिया? आमलेट भी नहीं आया, शुतुरमुर्ग पकड़ने जापान चला गया क्या? मैडम, इस एरिया तक ही उसे सिग्नल मिला है, ये चर्च क्रॉस करेंगे तो सिग्नल नहीं है। तो फिर दिलावर यहीं कहीं है, ग्रीन कलर कॉलेज यहीं कहीं है, सर्च करो क्विक। ओके मैम। ओके मैडम। अपनी पहली जिंदगी पालने में ही है, पर खटिया में है, आंखें बंद करो तो। क्यों गा रहा है ये गाना, क्यों गा रहा है? आ,
मुझे मत मारो। बोल, काम करने वाले बच्चों को उस गेस्ट हाउस में ले जाके क्या करते हो? बॉटल कंपनी में काम करने वाली लड़की गुजर गई। वो सब मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे काम देते हैं, मैं उसे करता हूँ। महारिटा नाम की लड़की है, मुझे और कुछ नहीं पता। वो जो काम देते हैं वो मर्डर का भी हो तो करता है तू? मुझे नहीं पता। हमारे श्रवण सर को तू नहीं मारा ना, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? भाई भाई, अरे रे 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 रे, ज्यादा दारू पी के पानी में गिर के मर गए, अभी बनाया हुआ ऑमलेट कौन खाएगा? अरे बताओ भाई, अब कौन खाएगा ये अंडे? हेलो मैडम, दिलावर की हत्या हो गई। मैं बस पहुंच ही रही हूं। ओके, जैसा कहा सब ध्यान में है ना? हाँ सर, सब कुछ ध्यान में है मेरे। क्विक फास्ट। ओके सर। ए, चल अंदर, अंदर चल। बता यहाँ पर ये क्या चल रहा है? बताती हूँ। बोल। बताती हूँ। बारगांव के कॉर्पोरेट मेडिसिन कंपनी में रत्नम वेलू सर का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो? वो नई मेडिसिन चूहे, बंदर और बच्चों को देकर टेस्टिंग कराते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है, और ये सारी मेडिसिन हम डायरेक्ट बाहर नहीं बेच सकते, इसलिए ये सब टेस्ट। आगे बोलती जा। ये सारी मेडिसिन टेस्ट कराने के लिए करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, इसमें से रत्नम वेलू सर भी है। इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछिए, अगर कोई बताएंगे तो वो मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तुझे अपनी जान की पड़ी है तो फिर उन बच्चों का क्या? ये सारी मेडिकल टेस्ट करने के लिए हम गांव-गांव से छोटे बच्चों को उठा कर लाते हैं। कम उम्र के बच्चों को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बिना रिस्क के हमें वो आसानी से मिल जाते हैं, उनके पेरेंट्स काम करने के लिए भेजते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट हुई सारी मेडिसिंस बहुत इफेक्टिव मेडिसिंस होती हैं। इफेक्टिव मतलब? वो सभी मेडिसिंस कैसे इम्प्रूव हो रही है, उसके लाइफ क्या है, और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं। और बहुत सारे सेक्स संबंधित। ये जो टेस्ट कर रहे हैं वो बच्चों को पता है? साधारण बुखार सर दर्द हुए बच्चों को मैं पहले ही आते चेक करके उन्हें बेहोशी की गोली दे देती हूँ, और जब वो बेहोश हो जाते हैं तब बाहर गांव के डॉक्टर उन पर टेस्ट कर लेते हैं, और बाद में उनके किडनी निकाल लेते हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? कितने लोग मारे गए? 13 लोग अब तक मारे गए, 30 लोगों का ऑर्गन डैमेज हो चुका है। ये बाहर क्यों नहीं पता चल रहा है? जिसके साथ ये हुआ वो चुप बैठेगा क्या? अगर हमें ऐसा डाउट आता है तो हम कुछ भी कारण निकाल कर उसे अपने गांव भेज देते हैं। ये सब तो पुलिस के सामने बोलेगी। पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग मार डालेंगे मुझे, इसे आप रोक नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक एसपी ने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, उन लोगों ने उसे भी मार दिया।
और सारे एविडेंस उन लोगों ने मिटा दिए। कोई लोकल इशू को बड़ा करके केस का नक्शा ही बदल दिया इन लोगों ने, इसलिए वो तुम्हें भी मार डालेंगे। रत्नम वेलू को मारेंगे तो ये सब कम हो जाएगा ना? उसका वीक पॉइंट क्या है, कहाँ रहता है, दिन भर क्या करता है? तो वो दवाई दिखाओ मुझे। ये दवा उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, है ना? जान लेने वाले की जान लेना यही धर्म है ना? इसमें से एक खाएंगे तो? आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। एक ही बार में कितना खाएंगे तो मर जाएगा? तीन खाएंगे तो कोमा में और छह खाएंगे तो इंसान मर जाएगा। पाप करने वाले को पाप भुगतना पड़ता है। यो, कितनों को मारा होगा तुमने? सर, रीटा ने उसे क्या बताया होगा मैं गेस नहीं कर पा रहा, बट ऑल एविडेंस डिस्ट्रॉयड। नो, हमारी सोच गलत है। ये कार्तिक, ही इज डूइंग एवरीथिंग इन इंटेलिजेंट वे। सारे सबूत उसने सिस्टम से रिकवर कर लिए तो? संगीता के पास पेरुमल और दिलावर के पूरे एविडेंस हैं। दे आर डूइंग अंडर प्ले। वो दोनों शिव और शक्ति की तरह हैं, हमारा नाश करने के लिए अवतार लिया। अगर तू फंसा तो मेरा फंसना भी तय है। वो तेरे करीब पहुंच गई है रत्नावेलु, मैं उसे दूसरे ऑपरेशन में नहीं डाल सकता, और उसे डीजीपी का भी सपोर्ट है। हम जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक संगीता चुप नहीं बैठेगी। लेकिन वो क्रिमिनल हमारा ही आदमी है। ये बात तुमने मुझसे छुपाई रत्नावेलु, पहले बताती तो उसे इस केस में लेता ही नहीं। अगर संगीता को खत्म कर दे? करेक्ट, ये काम तुम्हारे क्रिमिनल अच्छे से कर सकते हैं। गुड, तो फिर कार्तिक का अब उसे मैं देख लूंगा। यही हम रिलीज करने वाले हैं फॉल्स न्यूज। मैडम, इतने दिन से हम अंडर प्ले ही कर रहे थे, इसे रिलीज करने से ओपन प्ले नहीं होगा? होने क्या? दो, ये न्यूज बाहर आने के बाद सारे छुपे हुए क्रिमिनल्स बाहर आ जाएंगे, तब हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। सर, आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? गन लेकर आए हो? लेकर आया हूं ना सर। इसे अपने पास ही रखना, बी केयरफुल, इसमें तुम्हारे हाथ के निशान नहीं आने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो, तुम्हें एनकाउंटर करना है जिसमें तुम संगीता को मारोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज अनऑफिशियल बट ऑर्डर इज ऑर्डर। जैसे ही वो क्रिमिनल का एनकाउंटर करने जाएगी, उससे पहले ही संगीता को शूट कर देना। ये तुम्हारी या मेरी पर्सनल बात नहीं है, इट्स सीक्रेट। तुम्हें जो काम दिया गया है वो करना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। टेक इट। सर, मेरी बात सुनो विजय, इस काम के लिए तुम्हारा नाम मेरिट में नहीं था। पता है कितने नामों को हटाकर तुम्हारा प्रमोशन किया गया? जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है, अब तुम उन लोगों की मदद करो। यही तो सिस्टम है, 6 साल की सर्विस के पैसे एक ही दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगे। जान लेना ही हमारी ड्यूटी होती है, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। वो तुम्हारा एक एक मूवमेंट वॉच करेगी, बी केयरफुल। अब तक तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, इसीलिए तुम बचे रहे, लेकिन आज तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर में आ गई है। इसके बाद तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मैं तो गया काम से। यही है वो जगह, यहां तुम सेफ हो, यहीं रहना तुम्हें। शाम के 7 बजे एक वैन आई, वो तुम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देगी। सुनो, बैग लेकर आओ, तुम लोगों को वहां पर 3 दिन रहना है। जाओ, यहां के बारे में इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देता रहूंगा।
लेकिन ध्यान रहे, संगीता किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। 5 सालों से उसने मुझे परेशान करके रखा। संगीता को मारना ही पड़ेगा। वही तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोन लाओ अपना। आज से हम सबका कोई संबंध नहीं है। तुम दोनों को जो चाहिए इस बैग में है। गेट बाहर से बंद रहेगा, अंदर कोई भी नहीं है। शाम को आते समय गेट खुलेगा। ओके, गुड बाय। ओके ओके। इस आदमी पे अपन भरोसा नहीं कर सकते। मुझे भी यही डाउट है। देखना पड़ेगा यहाँ से बच के निकलने के कितने रास्ते हैं। उसके बाद ही हम इस पर हाथ लगाएंगे। वही अपने लिए सेफ है। हेलो, ये क्राइम डिपार्टमेंट है क्या? यस। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप कौन हो? मैं कोई भी हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरी बात करनी है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? वो सब रहने दीजिए। एक मर्डर के बारे में पेपर में पढ़ा था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करूँ या आपके सीनियर ऑफिसर से बात करूँ? कोई बात नहीं, आप मुझसे कह सकते हैं। जिन लोगों ने वो खून किया ना, मैंने उनको कॉटन मिल के अंदर जाते हुए देखा है। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। रखता हूँ फोन में। मैडम, हमने जो अखबार में खबर दी थी उससे जानकारी मिली है, वो 2 सस्पेक्ट जिन पर हमें शक था पुराने कॉटन मिल में छिपे हैं। किसी अनजान ने खबर दी है। मैडम, वो एक दुकान का नंबर है। मिल के पास से बाइक से गुजरते हुए एक आदमी ने फोन किया था, और वो कौन है दुकान वाले को पता नहीं है मैम। ओके, गेट रेडी, सभी लोग अपने वेपन्स ले लो। ओके मैडम। क्या हुआ? वो क्रिमिनल बहुत डेंजरस सर, इसीलिए मैं एक सेफ जगह पर आया हूँ। लेकिन एनकाउंटर मिस नहीं होना चाहिए। सब प्लान के हिसाब से ही है ना? सब ठीक चल रहा है, काम खत्म होते ही फोन करता हूँ। ओके सर। जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। तू कौन होता है लोगों की जान लेने वाला? क्यों मुझसे इतनी सारी हत्याएं करवाई? अब तेरी आखिरी सांसें बची हैं, और उसके बाद तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे गिनती के दिन तो तेरी माशूका संगीता के बचे। पहले जाकर तू उसे बचा। उसके साथ में जो पुलिस वाले हैं उसमें से एक मेरा बंदा है जो उसे मार डालेंगे। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, मुझे संगीता मैडम से बात करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट। हेलो, कौन संगीता? स्पेशल टीम हेड। क्या बात है, बोलिए। उन्हें कोई मारना चाहता है, उनसे मेरी बात। अरे कहाँ छुप के बैठा है? बाहर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल कौन सी जगह पे? पहले तू मुझे जिंदा छोड़, फिर बताता हूँ। पहले तू बता। लिफ्ट में चल। गाड़ी अभी तक नहीं आई। मैंने पहले ही बोला था ना, 7 बज गया। ए, 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 वो आ गए। चल भाग 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 भाग, जल्दी भाग। मैंने पहले ही बोला था ना।
क्या करूं? जान लेने वालों की जान इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए। कर सकते हैं। गुड मैम। संगीता, संगीता, छे कहां गई होगी? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। Please don't move. Stay in same place. फालतू में फॉरवर्ड नहीं जाएगा। नो देखो कौन है। मैं मारने आया है। कार्तिक जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ, कैजुअल टीम बुलाओ। ओके मैडम, यहां से राइट लो। कार्तिक, कार्तिक गाड़ी तेज चलाओ, मुझे तुम्हारे साथ जीना है कार्तिक, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल गेट ओपन रहने दो, ओवर। कार्तिक, कार्तिक तुम्हें कुछ नहीं होगा। कार्तिक, कार्तिक अभी भी ब्लीडिंग हो रही है क्या? ब्लीडिंग हैवी हो रही सर। सांस ले रहा है ना वो? हाँ सांस तो ले रहा है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। बॉडी को ज्यादा मूव होने मत दो और पेशेंट को सोने मत दो, उनसे कुछ ना कुछ बात करते रहो। ओके सर। मैडम डॉक्टर ने बोला है कि आप उनसे बात करते रहिए। प्लीज टॉक समथिंग कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक तुम मुझे चाहिए। कार्तिक, 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 कार्तिक सांस लो, टेक ब्रेथ, ब्रेथ, कार्तिक, गो फास्ट, कार्तिक, कार्तिक तुम्हें कुछ नहीं होगा। कार्तिक, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक उठो, मुझसे बात करो, जल्दी चलो प्लीज। He's dead. I'm sorry. Sorry.